फेशियल कराने के बाद भी ना ये वाला जो ग्लो है ना, ये हर जगह नहीं आता है। और ये जो फेशियल हमने किया है ना, ये हमने घर पे किया है, वो भी पपाया से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए फेशियल लेकर आई हूँ ना, ये फेशियल जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये पपाया से होगा। बट यार सच्ची में बोल रही हूँ, अगर ऐसा ग्लो कोई बोलेगा ना कि घर के फेशियल से आया है, यकीन नहीं मानेंगे लोग कि ऐसा ग्लो जो है वो घर के फेशियल से आ सकता है। मैंने इस टाइम पे लिटरली मैं कुछ भी नहीं फेस पे लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगी और कुछ नहीं है मेरे फेस पे। इवन मैंने बीबी क्रीम तक भी नहीं लगाई है, लेकिन मेरा फेस ग्लो देखो कैसे कर रहा है। ये ग्लो आप भी पा सकते हैं अगर आप घर पे पपाया के साथ कुछ स्टेप्स हैं जो करेंगे तो आपकी स्किन लिटरली में आपको थैंक यू बोलेगी कि हाँ यार ये क्या है। देखो पपाया जो है उसके गुण मैं बताने बैठूंगी नहीं, अननेसेसरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सब जानते हैं, आप नेट पे जाके देख सकते हो कि पपाया आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। हम सब जानते हैं, बेसिकली एक चीज़ है, अगर पपीता हम खाते भी हैं ना तो भी हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नेचुरली जब अंदर से हमारा गट पेट वगैरह सब साफ़ होता है ना, तो हमारी स्किन पर वो नज़र आता है। और इसके साथ साथ अगर आप स्किन पर उसको अप्लाई भी कर दोगे ना, जैसे मैंने आज किया है, और ये एक टाइम का रिजल्ट है। सोचो अगर आप हर हफ्ते अगर ये चीज़ करने लग जाओ तो आपकी स्किन कितनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अगर ये एक बार में ऐसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। चलो देखो यार, पपीता का करना है आपने। सबसे पहले ना पपीता आपने लेना है और उसके कुछ जब खाते हो ना, देखो खाना भी बहुत ज़रूरी है। पपीता खाओगे इंटरनली जब अच्छे रहोगे, मैंने आपको बोला है होम रेमेडीज़ करो बट हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करोगे तो और स्किन पे रिजल्ट आता है। वरना क्या होता है, कई लोग बोलते हैं अरे हमको तो रिजल्ट आया, किसी को 30 आएगा, किसी को 80 आएगा। सबका वेरी करेगा डिपेंडिंग आप अंदर से कैसे हो और आपकी स्किन कैसी है। तो सबसे पहले आपने हमने क्या करना है, आज हम करने वाले हैं 6 स्टेप फेशियल। 6 स्टेप फेशियल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आएगा फेशियल का, वो है क्लेंजिंग का। क्लेंजिंग करने के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है थोड़ा सा पपीते का पल्प, जो हमने पपीता अलग से रखा था उसका पल्प निकाल लेना है। ठीक है, उसको मिक्सी में आप अच्छे से ब्लेंड कर लोगे तो आपको पल्प मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो भी आपको लगे आपने थोड़ा सा लेना है, एक एक स्पून ले सकते हो। एक स्पून लेना है आपने पपीते का पल्प और एक स्पून आपने लेना है कर्ड। कर्ड दही जिसको हम बोलते हैं, यार उससे अच्छा क्लेंजिंग एजेंट कोई नहीं है। आप सब जानते हो, अगर आप सिर्फ दही भी अगर अपनी स्किन पे डेली लगाना स्टार्ट करोगे ना तो भी आपकी स्किन इतनी अच्छी साफ़ हो जाती है। तो आपने बस ये दोनों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और अपने चेहरे पर लगाना है और हल्के हाथों से बिल्कुल इसको मसाज देना है आपने। जब आप इसकी मसाज करोगे ना तो आपको वो जो क्रीमीनेस फील होगी ना, आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे करके साफ़ होगी, वो भी जेंटली। देखिए दही से अच्छा क्लेंजर कोई नहीं होता है। तो आप बस धीरे धीरे क्या करोगे, आप अपनी स्किन पे मसाज करते रहोगे और फिर अच्छे से इसको धो लो। तो ये आपका स्टेप 1 कम्प्लीट हो गया, जो कि है क्लेंजिंग का। अब जो हम करेंगे ना, अब आप क्या करो, अब आपको देना है स्टीम चेहरे को। स्टीम देखो क्या करता है, आपके जो पोर्स होते हैं ना उसके अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है ना उसको अच्छे से निकाल देता है। तो आप क्या करोगे, आप मैंने जैसे आप देख सकते हो, मैंने ना एक कैटल, जो हमारा पानी गर्म करने का कैटल आता है ना, उसी में पानी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद एक पतीले में उसको ट्रांसफ़र करके आप अपने चेहरे को 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम दोगे। स्टीम देने से आपके ना पोर्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, जो जमी गंदगी है वो सब बाहर आ जाती है। अब हम आ जाएंगे अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 के लिए आपको क्या करना है, आपने लेना है पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास वो होती है ना, आप क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, खंड होती है, भूरा भी जिसको बोलते हैं, वो हो वो ले सकते हो, नहीं तो आप चीनी को घर पे ही पाउडर कर सकते हो। उसको पाउडर बना लेना और थोड़ा सा एक एक चम्मच दोनों ले लो, एक चम्मच पपीते का पल्प ले लो और एक चम्मच आप चीनी का बूरा ले लो, या चीनी जो पाउडर करी है आपने वो ले लो।
चीनी बहुत अच्छा स्क्रब का काम करती है, एक्सफोलिएट करती है आपकी स्किन को, जो आपकी स्किन पे डेड लेयर होती है ना जमी हुई, उस डेड लेयर को बहुत जेंटली निकाल लेती है। और आप याद रखना, जब भी आप एक्सफोलिएशन करोगे ना, आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, हमने रगड़ना नहीं है स्किन को, हमने बहुत सॉफ्ट हैंड से अपनी स्किन को क्या करना है, एक्सफोलिएट करना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस मिक्सचर को क्या करोगे, अपने चेहरे पर धीरे धीरे से मसाज करने लगोगे। जैसे जैसे आप मसाज करोगे ना, आपकी डेड स्किन निकलनी शुरू हो जाएगी। एक्सफोलिएशन पता है क्या होता है, हमारी स्किन पे ना रोज़ क्या होते हैं, डेड सेल्स होते रहते हैं, तो उनकी एक लेयर जमी रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन ना बहुत लाइफलेस लगने लगती है, डल लगने लगती है। तो वो डेड लेयर को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे हमारा ये पाउडर्ड शुगर और पपाया का पल्प बहुत अच्छा काम करेगा, वो सारी डेड स्किन को निकालेगा, बट बहुत ही जेंटली निकालेगा। तो आप धीरे 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 इसको मसाज करते जाएंगे अपने चेहरे पर, और फिर उसके बाद हार्डली आपने 2 से 3 मिनट की मसाज करनी है, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने चेहरे को अच्छे से धो लोगे। यहाँ पे हमारा हो गया स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे अपने स्टेप नंबर 4 पे, जो कि है मसाज। अब मसाज के लिए आपने क्या लेना है, आपने लेना है पपीते का पल्प, पपाया पल्प, और उसके साथ लेनी है थोड़ी सी मलाई। जी हाँ, जो हमारे घर में मलाई निकलती है ना दूध में, वो मलाई लेनी है। ट्रस्ट में, आप सोचोगे यार ये मलाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, बट मलाई यूज़ करने, जब आप मलाई यूज़ करोगे ना यार, आपकी स्किन लिटरली में इतनी अच्छी हो जाएगी ना। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है, थोड़ी सी मलाई लेनी है, और उसको पपीते के पल्प में मिला के, और उससे अपने पूरे चेहरे पर। और देखो, मैंने ना हर स्टेप में अपने हैंड भी यूज़ किया, मेरे हैंड पे बहुत टैनिंग होती है, बहुत ज़्यादा, मेरे हैंड की कंडीशन बहुत बुरी है, तो मैंने हर स्टेप अपने हाथों पे भी इसीलिए किया है। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से इसको मसाज करना है। हमेशा जब भी मैं फेशियल बताती हूँ आपको, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो आपके मूवमेंट होंगे वो हमेशा अपवर्ड और आउटवर्ड होंगे, गोल करेंगे आप चेहरे पे राउंड, जैसे भी आपको जो स्टेप आते हैं फेशियल के, आप वो स्टेप करेंगे, बट आपका जो है वो हमेशा मूवमेंट आउटवर्ड और अपवर्ड होना चाहिए, कभी भी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं करते हैं। फेस टैपिंग करो, फेस पे इस तरह से पिंचिंग करो। फेस टैपिंग तो मैंने आपको बताया मेरा सबसे फेवरेट स्टेप है मसाज का। तो आपने बस 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, इतनी ही आपने मसाज करनी है, और मसाज करके आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। चाहे तो आप क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है मैं क्लॉथ यूज़ करती हूँ, पेपर टाल यूज़ कर सकते हो, और फिर उसके बाद अच्छे से उसको धो लो। अब आप अपनी स्किन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको देखना यार, लिटरली में आप हैरान हो जाओगे, जो आपकी स्किन में चमक आएगी उसको देख के, इतनी आपकी ब्यूटीफुल हो जाएगी ना स्किन, इतनी। पर अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि है पैक। देखो, हमने जब फेशियल में ये सारे स्टेप कर लिए, तो हमारा पैक वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने सारे पोर्स को बंद करना है। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए पपाया पल्प, और साथ में चाहिए मुल्तानी मिट्टी। आप दोनों को मिक्स करो और अपने पूरे चेहरे पर उसको स्प्रेड कर दो, और उसके बाद रिलैक्स कर लो। और अगर आप चाहो तो आप अपने हैंड पे भी लगा सकते हो, जहाँ चाहो आप लगा सकते हो, और इसको बस आपने लगा के छोड़ देना है। पूरा ड्राई नहीं करना है, हल्का सा जब ड्राई हो जाएगा इसको आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको आपके एक नई स्किन, आप एक नए, आपको अपना अवतार बोलते हैं ना, नज़र आएगा कि यार ये स्किन मेरी ही ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई है क्या। आप देखना, आपकी स्किन पे इतनी शाइन आएगी ना, मतलब वो जो स्ट्रोब, महंगी महंगी क्रीम्स लगा के, स्ट्रोब क्रीम लगा के जो शाइन आती है ना, वो शाइन आपके चेहरे पे होगी। और इसके साथ साथ अब हमारा आ जाएगा सबसे लास्ट स्टेप, जिसके लिए हमको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा पपाया पल्प, और उसमें आपने वाइटामिन ई का एक कैप्सूल अपना डालना है, जो वाइटामिन ई ऑयल होता है ना, जो कैप्सूल में आता है, बहुत सस्ते से कैप्सूल मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको ईजिली मिल जाएंगे, कहीं से भी जाके आप ले सकते हो। तो आपने बस एक कैप्सूल लेना है, और थोड़ा सा पपाया पल्प लेना है, और इसको अच्छे से अपने हाथों पे, चेहरे पे स्प्रेड कर देना है, और बस उसके बाद लोगों की तारीफ बटोरने के लिए तैयार हो जाओ कि आज आपने क्या किया है, और आपकी स्किन इतनी चेंज क्यों लग रही है। मैं लिटरली बोल रही हूँ यार, मेरे कहने पे एक बार ये फेशियल ज़रूर कर लो,
इतना अच्छा है ना, हफ्ते में एक बार ये फेशियल करना स्टार्ट कर दो, लिटरली आपकी स्किन इतनी अच्छी होगी। और अब आगे आगे तो वैसे भी गर्मी आ रही है यार, टैनिंग और ये सनबर्न ये सब तो चलता ही रहेगा, तो ये सब एक बार हफ्ते में करना स्टार्ट करो, इतनी अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी ना। तो अगर चैनल पर नए होगे तो आप इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बनना चाहोगे, ताकि हम सब मिलकर अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकें, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। फिर मिलूंगी आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।